राशन दुकान प्रस्ताव में लगी भीड़, जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जनपद संभल के नखासा थाना क्षेत्र से कोरोना महामारी के बीच कुछ डराने वाले वीडियो सामने आए हैं। राशन दुकान के सामने प्रस्ताव को लेकर प्रशासन द्वारा बुलाई गई खुली बैठक में सैकड़ों लोगों के जमा होने पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती साफ तौर पर नजर आ रही हैं। देश में आज भले ही 11 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज क्यों ना हो गए हों और 28,000 से ज्यादा की मौत भी हो गई हो, लेकिन इसके बाद भी ना तो कोई अधिकारी और ना ही देश के आम लोग कोरोना संक्रमण को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला जनपद संभल के थाना नखासा इलाके के हिसामपुर गाँव से सामने आया है। दरअसल यहां पर सस्ते गल्ले की दुकान के प्रस्ताव हेतु आज खुली बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोगों के बैठने हेतु बाकायदा टेंट लगाकर व्यवस्था की गई थी। इस बैठक में बतौर अधिकारी स्थानीय ब्लॉक से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे और उन्हीं के सामने बैठी लोगों की भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियाँ उड़ाई। वहाँ पर मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। पूछने पर बताया गया कि इससे पहले भी दो बार प्रस्ताव के लिए भीड़ इकट्ठी की जा चुकी है। क्या नाम है? मेरा नाम महबूब हुसैन है। कौन से गांव? हिसामपुर। क्या मामला है प्रस्ताव को लेकर? मामला ये है कि गांव में कोटे की दुकान हो रही है। एक बार मीटिंग उठ गई, दोबारा सारे आदमी इकट्ठे हो गए और तीसरी बार से बाल बिछ गया। फिर धान धांधलेबाजी कर रहा है और पब्लिक को परेशान कर रहा है। हम किसान हैं। ये कह रहे हैं बदमाशी से परेशानी ली और फोटा लूंगा धांधलेबाजी से। हम किसान हैं, हमारा काम परेशान हो रहा है। कोरोना की बीमारी में बार बार पब्लिक इकट्ठी नहीं करी आगे। अच्छा, अधिकारी आए आज या नहीं आए? आज कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई अधिकारियों की और इनकी प्रधान की सेटिंग है, सब पैसे खर्च कर रहा है। अच्छा, अधिकारियों ने आने का आश्वासन दिया था आपको आज या नहीं? हमारी एसडीएम से बात हुई और सेक्रेटरी से बात हुई। अच्छा, और बिलासपुर आपकी पब्लिक याद रहती क्या? उनकी पब्लिक याद रहती? पब्लिक हमारी याद रहती। तो वो क्यों क्यों भग गए? वो क्या बताएं, उनकी अधिकारियों से सेटिंग होगी तो यूँ भग गए। पब्लिक भी कम है उनकी। इससे पहले भी कभी भागे? तीस तारीख में उससे पिछले 30 तारीख निकली है जी जी, उसमें पाल भी जा। अच्छा, उसमें पहले भाग लौट के। तो आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इस पर? तो आज प्रस्ताव निश्चित होगा? आज प्रस्ताव नहीं हो रहा सर, कोई भी यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया। पुलिस आई थी, वो भी चली गई। 100 नंबर गाड़ी आई, वो भी चली गई। ठीक है, कौन से गाँव से बिलोंग करते हैं? जी, क्या मामला है बताइए। मामला ये है, हमारे यहाँ 30 तारीख रखी गई थी पहले कोटे की जी, और 30 तारीख में क्या नाम है, सब अधिकारियों से हमारे थोड़ा सूचना मिली। अच्छा। और सूचना मिलने के बाद 30 तारीख तक सब पब्लिक बैठ रही पहले पाल पे, दो ढाई बजे तक बैठी रही, 3 बजे तक जी। लेकिन सेक्रेटरी ने मिली भगत प्रधान से करके और एक पार्टी को बता दिया गया तारीख हट गई और हम लोगों को नहीं बताया गया। लेकिन अब पुलिस आई 100 नंबर और 21 तारीख रखी गई थी। अब 21 तारीख में फिर हमें आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अधिक 100 नंबर गाड़ी आने के बाद हमसे ये कह रहे हैं, 112 नंबर गाड़ी आने के बाद हमसे ये कह रहे हैं, क्या नाम है, ऐलान लगा दिया गया। बोले क्या नाम, अब तारीख हटा दी गई, कल की तारीख रख दी गई 22 तारीख। लेकिन रोज ऐसे ही तारीखें बदलेंगे, ये भ्रष्टाचार नहीं हो रहा तो और क्या हो गया? विधान मिली भगत है, इससे बड़ी बीमारी क्या होगी जो कोरोना चल जाएगा? कोरोना की बड़ी बीमारी है। आपके लिए पुलिस क्यों नहीं मिली? क्या मालूम क्यों नहीं मिली? मिली भगत है प्रधान के, हमारे यहाँ बात करा रही है। हम ये चाहते हैं प्रस्ताव नहीं हुआ तो हम प्रदर्शन करेंगे, लिख करेंगे। परंतु सूत्रों की माने तो राजनीतिक दबाव के कारण अधिकारी आनाकानी करते नजर आए। अब देखने वाली बात यह है कि उक्त राशन की दुकानें किन लोगों को मिलती हैं और कितने लोग कोरोना संक्रमण से ग्रसित होकर अपने घरों को लौटते हैं या फिर संभल स्वास्थ्य विभाग के लिए एक नई चुनौती खड़ी करते हैं। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में आज दिनांक 21/7/2020 को प्रातः 11 बजे से राशन डीलर के चेयर की बैठक बुलाई गई थी ग्राम हिसामपुर में, लेकिन ग्राम प्रधान के द्वारा बैठक में प्रतिभाग न करने के कारण आज की बैठक स्थगित की जा रही है और अगली बैठक 20 तारीख में प्रातः 11 बजे से प्रारंभ की जाएगी। सर, तीसरी बार है, तीसरी बार को कैंसिल क्यों हुआ? पहले बैठक जो लगाई गई थी 26 मार्च लगाई गई थी, उसमें जो है सरकार के द्वारा लॉकडाउन के कारण सब बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और अगली बैठक जो है 30 जून 2020 लगाई गई थी, जिसमें पुलिस प्रशासन ना मिलने का बैठक जो है स्थगित कर दी गई थी और आज बैठक बुलाई गई थी जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा उपस्थित न होने के कारण आज की बैठक स्थगित की जा रही है और 30 तारीख को पूरे बैठक 11 बजे से
सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं हुआ, लोग मास्क भी लगा के आ रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग पास पास आ रहे हैं क्योंकि गैदरिंग ज़्यादा है, इसलिए जो है लोगों से कहा भी जा रहा है और सैनिटाइजर वगैरह भी यहाँ ग्राम प्रधान भी उपस्थित थे, उनका भी पाल बिछाया गया था, उसके बावजूद यहाँ जब पाल बिछाया गया था तो वो ग्राम प्रधान क्यों चले गए? ग्राम प्रधान के द्वारा पाल बिछाया गया था, तो अपने किसी कारण से या जो भी स्थिति हो रही होगी वो अपने जो है समर्थकों के साथ मैदान छोड़कर चले गए। आपने अगली डेट क्या दी? 30 जुलाई होगा क्या पैसे होगा? ये अगली बैठक जो है ग्राम प्रधान अगर नहीं भी आते हैं तो किसी सदस्य की बैठक की जा सकती है। नहीं, अगर आप इसको अगर आप इसको करवाना चाहते हैं, जो दूसरे सदस्य हैं ग्राम प्रधान के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर भी मौजूद थे, अगर आप करवाना चाहते हैं तो उनकी मौजूदगी में ऐसा है ना, ये भौतिक रूप से पहली बैठक थी जिसमें ग्राम प्रधान उपस्थित नहीं हुए, पहली बैठक में अगर नहीं होते हैं तो जो है वो बैठक निरस्त करी जाती है, दूसरी बैठक में जो है ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में कर दी जाती है।